Vivek Gupta, founder and CEO of Marksoft Technologies. Very good evening, everyone. पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. My name is Vivek Gupta, founder and CEO of Marksoft Technologies Private Limited. ये कंपनी 21 साल पुरानी कंपनी है एंड वी आर मेजरली वर्किंग विद गवर्नमेंट सेगमेंट. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने 21 साल में बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं. कई अवार्ड्स भी हमने विन किए हैं. मैं अभी एक ड्रोन से रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. रिसेंटली लास्ट 2-3 सालों में जब से ये कोविड आया तो हमने माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए काम किया. माइनिंग के कई सारे केसेस हमने स्टडी किए हैं और हम लोगों ने डे बाय डे उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज किया और सॉल्यूशन देते चले गए. आज की डेट में लगभग 8-10 सॉल्यूशंस हमने माइनिंग के लिए दिए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको अभी ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला इसी साल, दैट इज़ स्मार्ट एनफोर्समेंट सिस्टम. हमने एक चेक गेट क्रिएट किया है जिससे कि माइनिंग के जो एनोमलीज हैं, अवैध खनन है, उनको कैसे रोका जाए. और वो उसके लिए हमने एक अनमैंड सिस्टम तैयार किया, अनमैंड गेट तैयार किया है, जहाँ पर किसी व्यक्ति की होने की ज़रूरत नहीं है. उस सिस्टम के थ्रू आने वाली व्हीकल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उनमें क्या मिनरल है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू AI. और गाड़ी के नंबर को थ्रू ANPR सिस्टम हम रिकॉग्नाइज करते हैं. और इससे हमें ये पता चलता है कि वो गाड़ी वाला या खनन करने वाला डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ले जा रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर तो नहीं कर गए, डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं. क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री में स्पेशली इन उत्तर प्रदेश 30% जो लॉसेज हैं, पिलफरेज हैं या चोरी है, वो डॉक्यूमेंट न कैरी करने की है. तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया है. जब हमने माइनिंग को स्टडी किया तो देखा कि एक चोरी है डॉक्यूमेंट्स की, दूसरी है ओवरलोडिंग की, तीसरी चीज़ थी जिस पर अब हम लोगों ने काम शुरू किया जहाँ ड्रोन को इन्वॉल्व करने वाले हैं. नॉर्मली माइंस होते हैं तो कई सारे माइंस होते हैं पूरे एरिया में, बात करें स्टेट में कई सारे माइंस होते हैं. अब क्या होता है कि एक माइन किसी ए व्यक्ति को मिला है, किसी बी को दूसरा माइन मिला हुआ है, बट वो अपने एरिया के बाहर भी खनन करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अवैध खनन है. तो अब इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, ये हम ऑल द टाइम वॉच तो कर नहीं सकते कौन बंदा क्या कर रहा है. तो इसके लिए हम लोगों ने एक केस स्टडी तैयार करी और एक सोल्यूशन तैयार किया, जिसमें हमने सारे माइंस को जियो रेफरेंस लेकर, जियो कोऑर्डिनेट्स लेकर उनका पॉलीगन तैयार किया. पॉलीगन तैयार करने के बाद उसका एक शेप हमें मिल गया. अब ड्रोन के माध्यम से हम पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं कि आज इस खनन की, इस खदान की क्या पोजीशन थी और फिर कल क्या है. तो इस इमेज को हम लोग एनालिसिस करने के बाद हम उनको अलर्ट्स नोटिफिकेशन दे देते हैं कि ये बंदा अपने एरिया से बाहर भी खनन कर रहा है. तो जो ड्रोन का इस्तेमाल, अगर जैसा कि सबने बताया, अमित सर ने बात करी कि नो डाउट इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप नेम एनी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का नाम लें आप स्प्रे कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, आप हेल्थ केयर का नाम लें, US में ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं ड्रोन के थ्रू, टेस्ट कराए जा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट का नाम लें तो ट्रैफिक का हम कंजेशन सारा कुछ पता कर सकते हैं. तो देयर सो मेनी एप्लीकेशन इन वेरियस सेगमेंट. तो माइनिंग में हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है वो रियल टाइम शुरू कर दिया है सर, अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है. और उसमें हमने सारा कुछ कवर किया है, वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसका मिनरल मैपिंग, जो आज की डेट में नंबर ऑफ माइंस लोकेट करना हम DSR के थ्रू सर्वे कराते हैं, पता करते हैं. तो इसके थ्रू हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि रिवर बेल्ट पे कितनी माइंस हो सकती हैं, जिससे हम गवर्नमेंट को एक आइडिया भी दे देते हैं कि भाई बालू की ये खदानें हो सकती हैं जिनको आप प्लान कर सकते हो. तो नंबर ऑफ माइंस हम बढ़ाते हैं, मिनरल मैपिंग कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इलीगल माइनिंग को रोक रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रेवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को और बेनिफिट दे रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट, एक आज की डेट में जो जैसा कि बताया, इतने एक्यूरेट डेटा हमें मिलने लगे हैं कि हम उसके बेसिस पे कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जेन्युइन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, और बहुत फास्ट इसका एक्शन होता है. तो जैसा कि आज की डेट में ड्रोन पे इतने लोग काम कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि इट्स अ UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो सारा कुछ डेटा कलेक्ट करके, एनालिसिस करके, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट्स सेट रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसे आउटकम दे रहे हैं. तो ड्रोन का इस्तेमाल हर सेगमेंट में, और हमने माइनिंग में इस्तेमाल किया है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है. और ड्रोन को छोड़कर अभी जो हमने चेक गेट्स लगाए हैं, सिर्फ सर हमने 6 महीने के अंदर 80 करोड़ के नोटिसेज जनरेट किए हैं और 30 करोड़ रुपये हमने उनको दिलाया है. और मुझे लगता है ये ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ऐड करने के बाद यही फिगर डबल हो जाएगी, बिकॉज वो खनन कहीं ज़्यादा है इससे, तो हम उनको रोक सकते हैं.
थैंक यू सो मच.